दिल्ली में मेट्रो रेल हो गई है पुरानी और बुलेट ट्रेन अभी है आनी। इसी के चलते भारतीय रेलवे अब रैपिड रीजनल ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रहा है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। देश में रैपिड ट्रेन सबसे पहले दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई जाएगी। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली रीजनल ट्रेन का पहला कोच गुजरात के सांवली से गाजियाबाद के दुहाई डिपो पहुंच गया है, जो कि दिखने में हूबहू मेट्रो ट्रेन की तरह ही है, मगर इसमें सफर करने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। इस रैपिड रीजनल ट्रेन को फिलहाल दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम एरिया तक चलाया जाएगा। 82 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को सिर्फ 55 मिनट लगेंगे। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन सराय काले खां और आनंद विहार रेलवे टर्मिनल को कनेक्ट किया जाएगा। ये ट्रेनें भले ही दिखने में मेट्रो ट्रेन जैसी हैं, मगर इसकी रफ्तार मेट्रो से 3 गुना ज्यादा है। देखिए, ये आरआरटीएस सिस्टम है, जो कि एक रीजनल रेलवे सिस्टम है। रीजनल रेलवे सिस्टम का मतलब ये है कि हम एक लंबी दूरी के डिस्टेंस को रेलवे सिस्टम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 50 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपको जाना है, अभी या तो हमारे पास बस हैं या इंडियन रेलवे की ट्रेन्स हैं, वो एक फिक्स समय पे चलती हैं, लेकिन अक्रॉस दी सिटीज़, अक्रॉस दी स्टेट्स वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो रीजनल रेल सीमलेसली 4 स्टेट के बीच में चलेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। इस तरह का एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं और ये हाई स्पीड ट्रेनें हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चल सकती हैं और लगभग आपको जो एवरेज स्पीड एक कस्टमर को कम्यूटर को मिलेगी वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मेट्रो से अलग सिस्टम है, मेट्रो सिटी के अंदर चलने के लिए है या इंटरसिटी ट्रेवल के लिए है। रैपिड रीजनल रेल के सभी कोच अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जो कि मेट्रो ट्रेन के कोच से कहीं ज्यादा हाईटेक हैं। इसकी सीटें यात्रियों को हवाई जहाज जैसी फीलिंग देंगी। फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। कोच में वेलवेट की सीटें हैं, जो कि यात्रियों के बैठने पर मखमली एहसास देंगी। हर सीट में इतना गैप है कि लोग आराम से खड़े होकर भी सफर कर पाएंगे। रैपिड रेल के प्रत्येक कोच में 2-2 ट्रांसफर सीटिंग की व्यवस्था की गई है, यानी यात्री आमने सामने बैठ सकेंगे। कुल मिलाकर रैपिड रेल का कोच पूरी तरह से प्रीमियम क्लास होगा। फिलहाल रैपिड ट्रेन में 6 कोच होंगे, जो कि यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद कोच की संख्या बढ़ाकर 9 तक किए जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये अलग सिस्टम है, जिसका ऑब्जेक्टिव अलग है, इसका पर्पज़ अलग है, जिसलिए हम लोग इन ट्रेनों को चला रहे हैं। इसलिए इनमें अगर आप देखेंगे, इसमें जो सीट्स हैं वो 2x2 की सीट्स हैं और वो फ्रंट फेसिंग है। जैसे हम लोग देखते हैं मेट्रो में वॉल के साथ सीट्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल सीट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स सीट्स। इसलिए ये अलग व्यवस्था है, बीच में काफ़ी चौड़ा आयल है जिसमें लोग आराम से खड़े हो सकते हैं या वॉक कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कैपेसिटी सर कितनी होगी, मतलब बैठने की और खड़े रहने की अलग है? शुरू में हम लोग 6 कोच की ट्रेन को चलाएंगे और ये प्लेटफॉर्म्स और स्टेशन इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि 9 कोच तक की ट्रेनें इसमें चल सकती हैं। तो लगभग जो 6 कोच की ट्रेन है उसमें 1200 पैसेंजर्स चल सकते हैं एक ट्रेन में, और जो 9 कोच की ट्रेन है उसमें लगभग 1800। वो एग्जैक्ट नंबर डिफरेंट है, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतने लोग ट्रेवल कर सकते हैं एक ट्रेन में। और हम शुरू में लगभग 10 मिनट पे एक ट्रेन चलाएंगे, तो एक घंटे में 6 ट्रेन का मतलब 12,000 पैसेंजर एक डायरेक्शन में कम्फर्टेबली ट्रेवल कर सकते हैं। ये ट्रेन फिलहाल दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई जाएगी, मगर इस प्रोजेक्ट का विस्तार होने पर इसे दिल्ली से हरियाणा और राजस्थान के NCR वाले इलाकों से जोड़ा जाएगा, जो कि दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी तक को कवर करेगा। इस रैपिड ट्रेन के शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्याओं से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही एक लग्जरी सफर का एहसास भी होगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत गाजियाबाद के दुहाई डिपो में 1 किलोमीटर लंबे ट्रायल ट्रैक और 12 रनिंग ट्रैक बिछाने का काम 90% पूरा हो गया है। जहाँ पहले ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा, उम्मीद है कि साल के आखिरी तक लोगों को रैपिड ट्रेन की यात्रा का अनुभव भी मिल सकेगा। पंजाब केसरी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।